अच्छा, इसमें हम देखें कि किस तरीके से इमेज यानी जो होगा वो हम डिस्प्ले करने के लिए इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इमेज के लिए ये है कि बिल्कुल जिस तरह से इसमें HTML के अंदर इमेज है वो इमेजेस के अंदर टैग है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो है वो कि इमेज हमारे पास वहाँ पे जो होते हैं जिफ होता है या जेपेग होता है, दूसरी और फॉर्मेट्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो WMBMP फाइल की जो है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से ये XML का वर्जन है। और उसके ये बाद बनाएंगे कैसे आप? ये ये इसको आप फॉर्म नोट किससे नोट है? नोट नोट पे, नोट पे नहीं, पेज में हाँ इसको इमेज को कैसे तब्दील करेंगे? अब फर्स्ट कर हमारे पास गिफ जिफ है, तो इसको कैसे हाँ कन्वर्ट इसके करेंगे? लिए डिफरेंट एडिटर्स आते हैं जिसके अंदर जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि BMP फाइल को हम सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करने से वो WBMP नहीं हो जाएगा, इसके लिए एडिटर्स हैं। जिस तरह से हमारे पास एक है एडिटर है, मोस्ट पॉपुलर है, जिसमें XML स्पा है, आप वो यूज़ करें। या उसके अलावा एक दो और मैं बताऊंगा कि किस की तरह जो है BMP फाइल या जेफ या जेपेग को आप किस तरह से जो WBMP फाइल में जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो जो आपका इमेज है वो उस डिवाइस पे आ सकेगा। तो यहाँ पे वो यहाँ से हम वो शुरू करते हैं WML, और उस पेज का नाम है, टाइटल है ये केमिस्ट्री, और यहाँ पे हमने एक पेज पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब लिखा है वर्ड। उसके बाद जो हमने ये क्या है इमेज सोर्स, इमेज यहाँ पे जो इमेज पिक्चर की जो का नाम है वो है टेस्ट ट्यूब WBMP। अच्छा, अगर इन केस ये पिक्चर नहीं उसको मिल रही तो फिर अल्टरनेट हमने क्या है वहाँ पे मैसेज आ जाएगा आगे, ये यहाँ पे जो है वो टेस्ट ट्यूब की पिक्चर थी। तो ये आपने यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ ओपन किया था, यहाँ पे आपने क्लोज किया, ये आपने पेज जो कार्ड है हमारा उस पेज को आपने बंद किया। इस तरह से जो आपने WML का जो है टैग है वो आपने बंद किया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछने ऊपर तो वही कोडिंग है सेम जो गुजर बोर्ड चुकी है, जी और नीचे जो है बस ये एक लाइन है। जी ये इमेज का है जो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम HTML में, तो डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो हमारे इमेज होगा उसका फॉर्मेट जो होगा वो WBMP फॉर्मेट होगा अगर वो नहीं लोड हो सका तो फिर ये मैसेज आएगा जी, अल्टरनेट। अल्टरनेट। चलिए शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसके अंदर हम रेफ्रेश कर रहे हैं कि हमारा पेज जो है या उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो जो है कुछ यानी रिफ्रेश होता रहे कुछ सेकंड्स के बाद। उसके लिए आप देखें क्या है वही चीज़ है, इसके अंदर XML से स्टार्ट किया W में, यहाँ पे कार्ड हमारा जो पेज है उसके अंदर हमने P एक पैराग्राफ डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे एंकर है, एंकर क्या है जिस तरह से लिंक होता है URL है उसको जो है हम कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश दिस पेज, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है कौन सा पेज उसकी हमने एड्रेस बताई है this page.wml, ये एक और पेज है जिसको आप रिफ्रेश कर रहे हैं। और उसके बाद आप रिफ्रेश क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है एक्स, जिसको वैल्यू आपने क्या है 19 दी है, उसको हम रिफ्रेश करें। रिफ्रेश क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से आप देख रहे होते हैं क्या होता है कि ऑनलाइन क्रिकेट है या कुछ इस तरह से साइट्स हैं वो हर कुछ मिनट के बाद जो खुद ब खुद जो है वो क्या हो रहे हैं रिफ्रेश होते हैं, नया स्कोर आ रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं पेज के कंटेंट्स अगर चेंज हो गए हैं तो आप उसको रिफ्रेश करना चाहें, तो इसके लिए यहाँ एक टैग है रिफ्रेश का, ये 19 क्यों एक दिया? वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको वैल्यू उसने हमने 19 दिया, कोई भी वैल्यू दें। अच्छा, उसको वैल्यू रिफ्रेश की है क्या वो एक्स की जो पहले वाली वैल्यू है उसको छोड़ो अब जो है उसकी 19 वैल्यू दे दी। ये यानी उसने दिखाया है कि दो चीज़ें जो है रिफ्रेश हो सकती हैं, एक तो आपका पेज रिफ्रेश हो सकता है, उसके कंटेंट्स चेंज हो गए हैं, उसके जो अंदर लिखा हुआ था वो चेंज हुआ है, दूसरी जगह अगर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी चेंज हुई है तो उसके लिए हम जो है वो रिफ्रेश का टैग लगाते हैं। फायदा क्या होगा वेरिएबल यहाँ देने का? नहीं, ये फ़ायदा यह है का ये तो अपने डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ क्या कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम अभी जो सीख रहे हैं वो एक रिफ्रेश है। रिफ्रेश जो है वो दो काम करता है, या तो वेरिएबल को रिफ्रेश करता है उसको न्यू वैल्यूज दे देता है, या जो है किसी पेज को कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप करें कि एक वेरिएबल को कोई और वैल्यू, आप करें कि नहीं हर 5 या 10 सेकंड या जो है 1 मिनट के बाद जो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो जब वहाँ पे आप क्या करेंगे रिफ्रेश टैग लगाकर उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो बहुत सारी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अच्छा 15 मिनट के बाद जो है वो स्कोर इतना हो जाएगा, और उसके बाद 15 मिनट के बाद एक्स की वैल्यू जो है 15 होनी चाहिए, उसके बाद 16 मिनट के बाद उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो यानी हर रिफ्रेश के साथ आप उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं या कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक रिफ्रेश टैग है जो दो काम कर सकता है, या तो पेज आपका जो है रिफ्रेश कर सकता है, या आपका कोई वेरिएबल हो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज करके उसको वैल्यू जो है वो नहीं देगा, तो इसको हम जो है वो रिफ्रेश करते हैं।
उसके बाद ये एंकर हमने बंद किया। एंकर क्या होता है, यूआरएल का जो लिंक होता है, जैसे हमने यहाँ पे पेज का नाम दिया हुआ है दिस पेज आर WML, और उसके बाद जो है ये पेज हमने बंद किया, पैराग्राफ बंद किया, जो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ खोला था, उसके बाद हमने ये पेज जो है कार्ड जिसको कहते हैं वो बंद किया, और उसके बाद हमने जो है वो WML को बंद किया हुआ है। सही,